स्कूल में एक और दिन। इवॉल्व, तुम यहाँ हो? इतने प्यारे वैम्पायर्स इलीगल होने चाहिए। हाय दोस्त, एक छोटी किस के बारे में क्या ख्याल है? यू फिर से मेबल, सच में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मेबल। ये लो, ये तुम्हारे लिए है, एक ब्यूटी बॉक्स। ओह, ये जगह बहुत प्यारी है। ठीक है, चलो देखते हैं। हे, तुम क्या दिखाना चाहते हो? ओह हाँ, पिंपल्स। खैर कोई बात नहीं, इन्हें मैं संभाल लूंगी। इतनी जल्दी नहीं स्वीटी, तुम कुछ नहीं संभाल पाओगी। ओह अच्छा, खैर अब प्लान बी अपनाने का वक्त है। तुम बच कर रहो। हाँ, तुम कौन हो? खुद को मेरे हवाले कर दो। ऐसा कभी नहीं होगा। अपने हाथ ऊपर करो, इस चेहरे पर मेरा कब्जा है। पकड़ लिया दोस्त। पिंपल्स के यहाँ कोई जगह नहीं है। मुझे लगता है ये काफी है। वाओ, ये काम कर गया। मेरी त्वचा अब कितनी मुलायम है। ओह, पर मेरी नोज को ठीक करने की जरूरत है। ओह, एक आइडिया है। अब मेरे ब्लैक हेड्स नहीं रहेंगे। एक डिनर डेट में सबसे जरूरी बात क्या है? रोमांस के बिना अच्छा खाना भी कुछ नहीं कर सकता। आह, बहुत अच्छा है, पर थोड़े एक्स्ट्रा मसाले डाल देते हैं। मम्मा मिया, बहुत अच्छी जिंदगी है, बहुत अच्छा बना है। ओह, ये टेस्टी था। हो गया? आहा, क्या बात है? मेरी नोज बहुत बढ़िया लग रही है। आह, तुम पूरी दुनिया में मेरे पसंदीदा वैम्पायर हो। ईयू, नहीं मेबल, आज नहीं। अपने दांतों को साफ करने से पहले मत करो। ठीक है, तुम सही कह रहे हो माय लव। मुझे मेरी स्माइल पर काम करना होगा, शायद मेरा ब्यूटी बॉक्स इसमें मेरी मदद करेगा। आहा, ये रहा, मैंने सुन लिया है कभी कभी बहुत काम आ सकता है। ओह, तुम्हें बहुत पछतावा होगा, यहाँ गंदे दांतों की कोई जगह नहीं है। ओह, हे, मैं बहुत ही बदनाम डेंटल डिजीज हूँ। एक वैम्पायर की स्माइल मोती जैसी वाइट होनी चाहिए। मुझे ये नया लुक बहुत पसंद आया, पर अभी हमें बहुत कुछ करना है। अरे नहीं, ये जगह कितनी गंदी है, ऐसे काम नहीं चलेगा। यंग लेडी, अपनी टंग की देखभाल किया करो। मुझे पता है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। खैर, हम इस जगह को भी साफ कर देंगे। ये कुछ ज्यादा हो गया। जरा इन शानदार मैनिक्योर्स को देखो, वो इसे ऐसे कैसे कर देते हैं? मेरे नेल्स और उन नेल्स में जमीन आसमान का फर्क है। खैर, इन्हें ठीक करने का वक्त आ गया है, पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हम ये मिलकर करेंगे। मैंने फैसला कर लिया है, तुम ड्रेस कोड खराब कर रहे हो, अभी इसी वक्त सजा दी जाएगी। प्लीज नहीं, मैं और बेहतर हो जाऊंगा। ओह, क्या हो भी गया? अब चलो इसे साफ करते हैं। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ स्वीटी। रेड नेल पॉलिश एक वैम्पायर के लुक को निखारने के लिए बढ़िया रंग है। क्या बात है, थोड़े मजे करने चाहोगे हनी? अगर तुम्हें ठीक लगे तो। हाँ बिल्कुल, हम तुम्हारा मेकओवर करने वाले हैं। बस यहाँ थोड़े कलर्स करेंगे और जरा देखो तुम कितने अच्छे दिखने लगे हो। ओह हाँ, ये बढ़िया है। ठीक है, हमारा अगला एजेंडा क्या है? आहा, ये रहे तुम मेरी इमेज खराब कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। हम हमेशा साथ रहेंगे माय लव। हाय, तुम क्या करने की सोच रही हो? हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। हाँ, हम यहाँ प्यार के पल बिता रहे हैं, चलो जाओ यहाँ से। ये बहुत मुश्किल होने वाला है, हमें इसे ठीक करने के लिए सुपर पावर्स की जरूरत होगी। अब बैग्स को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। हिला मत तुम दोनों, ये डेट कैंसिल हो चुकी है। मेरे होते हुए कोई करीब नहीं आएगा। नहीं, ओह हाँ, इससे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। ओफ, चलो इसे फेंक देते हैं। हे भगवान, मुझे बहुत खुजली हो रही है। आह, तो ये दिक्कत है। अब बालों को साफ करने का वक्त है, पहले बालों को वॉश करते हैं। ये गैजेट इसमें मेरे काम आएगा।
ठीक है, अब काम शुरू करते हैं। क्या यहाँ गंदगी की कोई जगह नहीं है? मैं इन सब से छुटकारा दिला दूंगी। अब इसे सुखाने का वक्त है। शुक्र है, इस ब्यूटी बॉक्स में ब्लू ड्रायर भी है। बहुत आसान है। मेरे ख्याल से सारी खूबसूरत मॉडल्स इसे ही इस्तेमाल करती हैं। क्या मेरे लिए और काम है? ठीक है, मैं ये कर लूंगी। ये लो, एक बढ़िया वैम्पायरिक हेयर स्टाइल। मुझ पर विश्वास करने के लिए शुक्रिया। वो बिल्कुल जैसा मैगजीन कवर्स पर होते हैं, पर हम इसे और सुंदर बना सकते हैं। सही कहा ना? तुम फिर से सच में? खैर जो भी हो, चलो करते हैं। मैं अब तैयार हूँ। चैंपियन के लिए जोरदार तालियां बजाओ सभी लोग। फ्यू, ये बहुत मुश्किल था, पर मैंने कर दिखाया। मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, एक असली नाइट क्वीन लग रही हूँ। पर क्वीन से ऐसी बदबू नहीं आनी चाहिए। ओह कुछ भी, डिओड्रेंट सब ठीक कर देता है। याद रखना, हम उन्हें साफ नहीं करने दे सकते। क्या यहाँ किसी को मेरी मदद चाहिए? हमें तो नहीं, ये तो पक्का है। ओह तुम हमसे उलझ रहे हो। चलो दोस्तों, पकड़ो उसे, उसे सबक सिखाते हैं। अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। हे, क्या हुआ? क्या तुम सच में हार गए? मुझे लगता है मुझे तुम्हारी नहीं, किसी और की जरूरत है। क्या तुम काम के लिए तैयार हो बेबी? जाओ और गंदे बालों को हटाओ। हे, तुम कौन हो? अब तुमको काटने का वक्त आ गया है। हम तो गए, हमें छोड़ दो। हम दोबारा इस तरह से नहीं बढ़ेंगे। हम कसम खाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत साफ और मुलायम है। पर बुरा मत मानना दोस्तों। वोहो, हम लगभग चीजें पूरी कर चुके हैं। अब मेरा मेकअप करने का वक्त है। मुझे एक प्यारा सा आईलाइनर लगाना होगा। मुझे लगता है मैं बहुत सही कर रही हूँ। चलो देखते हैं मैं कैसी लग रही हूँ। बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे इसे करने के लिए मेकअप हैक्स की जरूरत है। ये काम आएगा। चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। ये तो बहुत बढ़िया है। एक अच्छे फाउंडेशन के लिए स्किन टोन क्रीम बहुत ज्यादा जरूरी है। ओह बहुत बढ़िया और स्मूथ। ओह शुक्रिया, तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो। खैर मेरा मेकअप बहुत बढ़िया हो गया है, पर मेरे कपड़े अच्छे नहीं है। भगवान का शुक्र है यहाँ कपड़े भी है। मैं इन्हें उधार ले रही हूँ। ठीक है ग्रानी, मैं इसे वापस कर दूंगी जैसे ही मेरा क्रश मुझ पर ध्यान देने लगेगा। अब चलो जल्दी से इन्हें पहन कर देखते हैं। ओह वाओ, क्या सच में ये मैं हूँ? बहुत अच्छी लग रही हूँ मेबल, पर मैं थोड़ी और वॉल्यूम ला सकती हूँ। ओह शुक्रिया ग्रानी, ये बढ़िया आइडिया है। हेलो, क्या यहाँ कोई है? तुम यहाँ हो? घटिया लूजर, तुम्हारे लिए एक बहुत ही जरूरी काम है। तुम्हें खुद पर काम करने की बहुत जरूरत है। हम अभी ही शुरू कर रहे हैं। मुझे बहुत कम उम्मीद थी, पर अभी भी मैं निराश हूँ। ध्यान लगाओ, मेबल की लव लाइफ तुम पर निर्भर है। ओह हाँ, ये हुई ना बात। ये बढ़िया है और ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारा शानदार कोच, ये लो मेरी तरफ से। वो स्कूल में वापस आ गई। मेरे नए रूप से मिलो दोस्तों, क्या तुमने मुझे याद किया? वाओ, तुम बहुत बदल गई हो। मुझे माफ करना इवॉल्ड। ओह वैसे ये लो अप्रैल, ये तुम्हारे लिए है। तुमसे बाद में मिलती हूँ दोस्तों। वैम्पायर होना कितना मजेदार है। अब मेबल डरावनी और खूंखार है, लेकिन अब उसे दिन के वक्त सोना होगा। मेबल उठ जाओ, तुम लेट हो जाओगी। यहाँ पर हमेशा इतना अंधेरा क्यों रहता है? उठ जाओ बेटी, बुरी रोशनी। ये सब नहीं चलेगा मेबल, जल्दी उठो। मुझे अपना गुस्सा दिखाने की हिम्मत भी मत करना। जल्दी करो, नाश्ते का समय हो गया है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। आज के नाश्ते में सच में कुछ खास है। थोड़ा लहसुन किसी भी डिश को मजेदार बना देता है। कुछ भी चलेगा, पर लहसुन बिल्कुल नहीं। लेकिन मेबल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। आज हम एक वैम्पायर की तरह खाना खाएंगे। बोबो, तुम्हारा नाश्ता तैयार है। मेबल, अब तुम ये मत कहना कि मॉम एक बर्गर पर इतना बवाल। वाह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ओह, तुम यहाँ हो बोबो। हाँ, कितनी प्यारी है।
और तुम मेबल, अब और कोई फास्ट फूड नहीं, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आज प्रॉम की रात है, मेबल पार्टी के लिए तैयार है, उसका गॉथिक स्टाइल हिट होने वाला है। ओ, तुम भी यहाँ हो? बच्चों, जब तक मजे करने हैं करो। हे, क्या उसे भी बुलाया था? एक ब्लडी मैरी प्लीज। मेबल हमेशा ही डरावनी लगती है, उसके साथ एक मजेदार प्रैंक करने का ये सबसे सही वक्त है। हे, कैसी हो मेबल? अरे बुरा हुआ, वूप्स, मैंने ये भी बिल्कुल जानबूझकर नहीं किया। तुम किसी दूसरी पार्टी में क्यों नहीं चली जाती? तुमने मुझे खुद गुस्सा दिलाया। टाइम, रुक जाओ, लगता है तुम अपने शूलेस बांधना भूल गए दोस्त। और अब देखो मजेदार है। और अब तुम्हारा इंतजाम करते हैं लड़कियों। स्वादिष्ट है। टाइम चालू। प्रैंक कामयाब हो गया। मेबल जहाँ भी जाती है डर और गड़बड़ लेकर जाती है। वैम्पायर्स को मजा करना बखूबी आता है। अब मुझे जाना होगा। बाय बाय स्कूल। वो इतना सारा खजाना, सोना, चांदी, गहने, हम यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन इस चोर ने चोरी करने की गलत जगह चुनी है। एक जवान वैम्पायर यहाँ पर हमला करने के लिए आ रही है। और ऐसा लगता है कि डिनर तैयार है। स्वादिष्ट लग रहा है। डिनर के लिए यहीं रुको। चलो इसे थोड़ा मसालेदार बनाएं। और अब खाने का वक्त हो गया। ये मेरा खाना है। मेरे खाने से अपना हाथ हटाओ। आउच, दर्द हो रहा है। वाह, तुम बहुत सुंदर हो। वाह, ऐसा लगता है जैसे दो तन्हा दिल आज रात मिल गए। तुम मुझे भूल गए? हाँ, यहाँ से चली जाओ, लेकिन अंगूठी यहीं छोड़ जाओ। क्या तुम पूरी जिंदगी मेरा साथ निभाओगी? वैम्पायर से बचकर भागना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डेनिस, मेबल, अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। अंगूठी पहनाने की जरूरत नहीं है दोस्त। एक दूसरे को काटना वैम्पायर्स की प्राचीन परंपरा है। बस अब मैं जा रहा हूँ। चलो एक यादगार फोटो ले। ये डरावना पल हमेशा हमारे पास कैद रहना चाहिए। कहो चीज, एक छोटी सी परेशानी है। वैम्पायर कैमरा पर दिखते नहीं है। ये क्या हो रहा है? चिंता मत करो दोस्त, ये सबके साथ होता है। हमने उस पर अच्छा प्रैंक किया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मेबल के पास और भी सरप्राइज है। वैम्पायर परिवार में एक नया मेहमान आने वाला है। हम इस दुनिया के सबसे डरावने पेरेंट्स बनेंगे। प्रेग्नेंट होना सच में मुश्किल है। किसी के खून से भी इस समय पर खुशी नहीं मिल सकती। मुझे भूख लगी है डेनिस, कुछ मीठा चाहिए मेरी जान। नहीं, शायद चिकन चलेगा। ह्यू, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? ये स्वादिष्ट मछली कैसी रहेगी? ह्यू डेनिस, बस बहुत हुआ। तुम्हें मेरी भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। प्लीज शांत हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ। रुको, हेलो डिलीवरी सर्विस, आपका ऑर्डर आ गया है। हेलो, क्या घर पर कोई है? ओ, आप यहाँ हैं? ये रहा आपका पिज्जा। इसकी जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेबल, तुम्हारा खाना आ गया। अरे नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? ओह, खाने की चीजें बात नहीं करती। डेनिस, तुम सचमुच कमाल हो। हमने उसे शांत कर दिया। मेबल आखिरकार खुश हो गई। यहाँ गंदगी मत फैलाओ प्लीज। एक वैम्पायर के लिए सबसे ज्यादा अपने फैंग्स का ध्यान रखना जरूरी है। आह, मेल आया है। बहुत अच्छे दोस्त। मॉम, मुझसे ये नहीं होगा। क्या हुआ बेटा? मेकअप करना बहुत मुश्किल है। देखो, कुछ नहीं है, है ना? आप ये कैसे कर सकते हैं जब आपका कोई रिफ्लेक्शन नहीं है? चिंता मत करो अप्रैल, हम इसका कुछ हल निकालते हैं। ये लड़कियाँ भी ना, काश उन्हें पता होता इन दिनों वैम्पायर स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है। मॉम, आप इसमें माहिर हैं। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। मुझे हैरानी है कि ये जा कहाँ रही हैं? शायद किसी डेट पर। पम्पकिन, डेनिस, लेकिन वो बहुत छोटी है। मुझे चिंता हो रही है, उसका बॉयफ्रेंड होगा। हे, पुराने जमाने के लोगों, क्या अप्रैल तैयार है? आज हम एक पार्टी में जा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बात कर रहे हो? शांत हो जाओ पंकिन, इसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। इसे देखो, आओ एक गेम खेलें। पकड़ो, भागो लड़के भागो, और वापस मत आना। ये एक बहुत ही शानदार आइडिया था हनी। हाय फाइव, क्या दरवाजे पर कोई था? टाइलर कहाँ है? तुम्हें वहम हुआ होगा।
और दरवाजा बंद कर देना चाहिए। टाइलर ने मुझे धोखा दिया, मैं उसे खा जाऊंगी। चलो इतनी जल्दी मत करो। वैम्पायर्स के लिए हेलोवीन सबसे जरूरी हॉलीडे होती है। ये काफी अच्छा बना है। और ये आया हमारा पहला ट्रिक और ट्रीटर्स। आ रही हूँ, आ रही हूँ। ट्रिक या ट्रीट ग्रैनी? क्यों ना मैं तुम्हें एक असली ट्रिक दिखाऊं? वुप्स, गलती हो गई। वाह, वैम्पायर के नकली दांत। ये एक कमाल की ट्रिक थी ग्रैनी। अरे नहीं, वो लड़की बिल्कुल नहीं डरी। आजकल के बच्चे किसी चीज से नहीं डरते हैं। कभी मेबल भी जवान हुआ करती थी। हाँ, वक्त बीत गया। समय के साथ साथ उसकी खून की प्यास भी खत्म हो गई। लगता है आखिरी समय आ गया है, बस वो बेडरूम तक पहुँच जाए। नहीं, इस तरह हम कहीं नहीं जा सकते। इससे बेहतर है कि मैं चमगादड़ बनकर उड़ जाऊं। खैर, कम से कम मैं अच्छी तो दिख रही हूँ। मेरा समय आ गया है, मैं इस दुनिया को बहुत याद करूँगी। मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगी डेनिस। ठीक है, इसके लिए शुक्रिया। 3000 साल, ये काफी ज्यादा है। ऐसे नहीं चलेगा, मैं अपने स्लीपिंग मास्क के बगैर नहीं सो सकती। मुझे परेशान मत करना। कल के लिए मेरे पास बहुत सारे बुरे काम हैं। ओ, कितनी बुरी बात है। बेचारी छोटी लियाना पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेली है। शायद कोई तो उसकी मदद करेगा। जरा इस क्यूटी को देखो, चॉकलेट खाना चाहोगी? सच में मुझे कैंडी नहीं चाहिए, मुझे फैमिली चाहिए। मैं खुद ही अपने लिए पेरेंट्स ढूंढ लूंगी। वहीं लीजी को फैमिली और कैंडी दोनों ही मिले हैं। लीजी, तुम सिर्फ डिनर के बाद ही स्वीट्स खा सकती हो। ये कौन है? हटो पेस्ट, हम बिजी हैं। आओ, सभी मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करते हैं? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। डार्ट, हमें इसकी मदद करनी होगी। ओह, क्या तुम ठीक हो? हाँ, हाय। आओ, तुम फैमिली ढूंढ रही हो? हमारे साथ आओ, क्या आपको यकीन है डार्ट? तुम्हारे नए घर में स्वागत है, ये तुम्हारा कमरा होगा। ठीक है लड़कियों, यहीं रहो, मैं अभी वापस आता हूँ। खैर, हाय बहन। दोस्त बनना चाहोगी? जरूर, पर यहाँ कुछ ज्यादा ही अंधेरा है ना? इसे सही करते हैं। धूप नहीं, मुझे अभी टैनिंग नहीं चाहिए। कहाँ गई? क्या हुआ है? कुछ भी, पर धूप नहीं प्लीज। मुझे माफ करना बहन, ऐसा दोबारा नहीं होगा, वादा करती हूँ। तुम दोनों को भूख लगी होगी, है ना? ये लो, ये दूध और कुकीज। शुक्रिया डार्ड। चलो लियाना, ले लो। ये क्या है? शुक्रिया डार्ड। शायद मुझे खुशी हुई कि तुम लोगों को अच्छा लगा। हमें इससे जल्दी छुटकारा पाना होगा। अच्छी बात है कि लियाना बहुत फुर्तीली है। बढ़िया, लगता है हमारा काम हो गया है, मैंने खत्म कर लिया। लगता है कि दूध बहुत टेस्टी था। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें भी अच्छा लगा। अब सोने का वक्त है। स्वीट ड्रीम्स लीजी। तुम भी लियाना, कल मिलते हैं। दूध? मजाक मत करो, हम वैम्पायर्स दूध नहीं पीते। लगता है लियाना ढंग से सो नहीं पा रही। ये बेड बहुत ही ज्यादा आरामदायक है, उसे इससे गुस्सा आ रहा है। चलो इस पर काम करते हैं। लियाना आर्ट्स और क्राफ्ट में बहुत अच्छी है ना? और हो गया, अब ये बहुत बढ़िया है। ये बेड वैम्पायर के लिए बिल्कुल सही है। वूप्स, शायद मैंने उसे जगाया नहीं होगा। स्वीट ड्रीम्स डैड और बहन। लियाना, क्या तुम ठीक हो? एक वैम्पायर की स्माइल हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने फैंस का अच्छा ख्याल रखना होगा। पर ये शर्म की बात है कि लियाना शीशे में दिखाई नहीं देती, इससे चीजें बिगड़ सकती है। हाय बहन, तुम उठ गई। लियाना, तुम शीशे में दिखाई क्यों नहीं दे रही? तुम क्या बात कर रही हो? शायद तुम ज्यादा ही सोच रही हो लीजी। देखो, शीशा धुंधला हो गया है। हे, तुम कहाँ जा रही हो? ये बहुत ही अजीब है। हाँ, ये क्या है? क्या वो एक वैम है? वैम कौन ही होता होगा? मुझे कुछ समझ नहीं आया। जल्दी आओ स्वीटी, हम एक साथ एक फैमिली की तरह ब्रेकफास्ट करेंगे। लगता है टोस्ट तैयार हो चुका है। हमारे डैड कुकिंग में बहुत अच्छे हैं। खैर, तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहोगी लीजी? लियाना, ये क्या हो रहा है? जूस पीना चाहोगी? ये सुबह पीने के लिए सबसे बेस्ट ड्रिंक है। मुझ पर भरोसा रखो, अपना खाना मजे से खाओ लड़कियों। क्या ये गार्लिक सॉस है? No.
हाँ मेरी पसंदीदा है। शुक्रिया डैड, देखो उसे ये कितनी पसंद है लियाना। चलो शुरू करें। बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब मैं डाइट पर हूँ, ब्रेड नहीं और कोई गार्लिक भी नहीं। समझ गया, फिर सैलेड के बारे में क्या ख्याल है? जरूर डैड, आपका शुक्रिया, मुझे सब्जियाँ बहुत पसंद है, खासकर टमाटो। लियाना ये तुमने कैसे, क्या तुमने टमाटर को बस चूस लिया? अब लड़कियों स्कूल का वक्त हो गया है, जाओ और मजे करो, सीधे ए लेकर आना, ठीक है? सभी लियाना को हाय कहो, अब से ये तुम्हारी क्लासमेट है। हाय, हे, लगता है स्कूल बहुत मजेदार होने वाला है, ये सभी नए दोस्त काफी स्वादिष्ट लग रहे हैं। ध्यान से लड़की, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। क्या तुमने वो देखा कॉर्टनी, उसने मेरा फोन बचा लिया। वो कुछ भी नहीं था। खैर मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी नहीं था। उम्मीद है कि तुम लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया होगा बच्चों, क्योंकि अभी टेस्ट का वक्त है, चलो शुरू करो। टेस्ट? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लाइट को आने से मत रोको। लियाना ऐसा नहीं होगा, तुम्हें F मिलता है। मुझे नहीं लगता मिसेस पेनी, मुझे A ज्यादा पसंद है। आपको मेरी बात समझ आई? सीधा A, कोई F नहीं, जैसा तुमने कहा। वो ये बहुत बढ़िया था, तुमने वो कैसे किया लियाना, वो बहुत शानदार था। सबको एस, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा सीक्रेट क्या है लियाना? मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। किसी भी बढ़िया डिटेक्टिव को एक ऑफिस चाहिए, इस टॉयलेट से काम बन जाएगा, यहाँ थोड़ी प्राइवेसी मिल जाएगी। ठीक है, लियाना बहुत ही अजीब तरह से पेश आ रही है, पलक झपकते ही इधर से उधर हो जाती है, उसे धूप से डर लगता है। तुम क्या हो बहन, सोचो लीजी, सोचो। सुपर स्पीड चेक कर लिया, किस तरह के इंसान को धूप से डर लगता है। मैं आ गई, देखते हैं यहाँ क्या चल रहा है। तुम बस समझ ही गई लीजी, मुझे पता चल गया तुम एक वैम्पायर हो लियाना। अब मैं क्या करूं? मुझे डैड को बताना होगा। मैं तुम्हें उन्हें बताने नहीं दूंगी बहन, वैम्पायर इतनी जल्दी हार नहीं मानते। सेल्फीज आपके मूड को अच्छा करने का बढ़िया तरीका है, पर अभी कुछ भी लीजी को खुश नहीं कर सकता, वो आज रात सोने नहीं वाली है। आखिरकार उसके साथ एक असली वैम्पायर सो रही है। आराम करो बहन। क्या सोना है? पर मुझे सोना नहीं है। अब कुछ वैम्पायर प्रैंक्स का वक्त है, लीजी इसे बहुत डरने वाली है। चलो इसे दिखाते हैं कि वैम्पायर होना कैसा लगता है, इन सुंदर दांतों को देखो। स्वीट ड्रीम्स लीजी। हाँ, अजीब है, कल क्या हुआ था, लियाना ने मुझे काट लिया। क्या मैं सच में एक वैम्पायर हूँ? ये बिल्कुल मेरे सपने जैसा है। प्रैंक बढ़िया रहा, बस छोटे से काम का वक्त है, अब सब परफेक्ट है। वो मैं शीशे में दिखाई नहीं दे रही, ये सच है। शुक्रिया लियाना, पर हमारा प्रैंक अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अब गार्लिक ट्रिक का वक्त है, तुम इसे किसी भी तरह नहीं खा पाओगी लीजी। सब हो गया, ब्रेकफास्ट का वक्त है बहन, मुझे गार्लिक टेस्ट को भी पास करना होगा। हाँ ये रहे, यहाँ आओ। ईव, ये क्या है? बिल्कुल भी नहीं, अब से कोई गार्लिक नहीं। वैसे मैं एप्पल तो खा ही सकती हूँ। स्वादिष्ट। अलास, ये नकली फैंग्स भी इस स्ट्रेस को संभाल नहीं पाए। डैड, मेरे पास एक भयानक खबर है, क्या आप मानोगे, अब मैं एक वैम्पायर हूँ। नहीं, ये कैसा मजाक है लीजी, क्या तुम बीमार हो? डैड, वैम्पायर बीमार नहीं होते। आओ बहन, ये मजेदार है, क्या परफॉर्मेंस है, हमें इसे पूरे स्कूल को दिखाना है। क्या तुमने ये देखा पॉली, मैं हंसते हंसते मर ही जाऊंगी। तो तुम एक वैम्पायर हो? हाँ लीजी, खैर तुम्हारे फैंस कहाँ है, बस हमें मत काटना, ठीक है? हे, तुम शीशे में क्यों नहीं दिखती, यहाँ कौन है? ये तो तुम हो लीजी, तुम वैम्पायर नहीं हो, बस एक लूजर हो। वो मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करते हैं? माफ करना, मेरी गलती थी। हे, तुम वही वीडियो वाली लड़की हो ना, वैम्पायर गर्ल। ओह, मुझे पता है, चलो तुम्हारा टेम्परेचर चेक करते हैं, ये मजाक नहीं है। हे, तुम क्या कर रहे हो? ना, ये बहुत मजेदार है, बढ़िया काम किया दोस्त, हाई फाइव। हमें बताओ लूजर वैम्पायर बन के कैसा लगता है, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? मेरे अलावा मेरी बहन पर कोई नहीं हंसेगा, और तुम मुझसे बिल्कुल भी मत उलझना कॉर्टनी, मैं नहीं करूंगी, वादा करती हूँ।
आखिरकार लंच टाइम हो गया। लीजी को बहुत भूख लगी है। ये बर्गर बहुत ही लजीज होगा। फिर से तुम वैम्पायर गर्ल, तुम्हें पता नहीं कि शेयर करना अच्छी बात है? हे, वो मेरा है, मुझे वापस दो। खैर, अब ये मेरा है, कोई दूसरी जगह ढूंढ लो। इसके बारे में सोचना भी मत, तुम्हारे लिए कोई बर्गर नहीं दोस्त। लगता है स्पाइडर्स तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे। वो मेरी बहन का है। बचाओ, कोई बचाओ, मुझे स्पाइडर्स पसंद नहीं। रुको, मेरी कैप कहाँ है? कहीं सेफ ही होगी दोस्त। बिल्कुल सही, भागते रहो भीगी बिल्ली। तुमने मुझे बचा लिया लियाना, शुक्रिया। गले मिलना, सच में आज का दिन बहुत ही बढ़िया होगा। आखिरकार आज लियाना का बर्थडे है। हमें कुछ भयानक सा सोचना होगा। ओह, आज तुम्हारा स्पेशल दिन है। हाँ स्वीटी, तो फिर चलो मजे करते हैं। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी फैमिली, हैप्पी बर्थडे लियाना, बधाई हो। वहाँ कौन है? मैं फाइट करे बिना नहीं हारूंगी। ओह, ये आप लोग हैं। क्या तुम ठीक हो लियाना? मैं बस मजाक कर रही थी। खैर, वैसे ये बहुत बढ़िया मजाक था स्वीटी। अब केक के बारे में क्या ख्याल है? जरूर डैड। ओह, पर यहाँ थोड़ी गलती हो गई है। अब ये ठीक है, ठीक है, इसे जलाते हैं। अब विश मांगने का वक्त है। आज सभी सपने सच हो जाएंगे। ठीक है गर्ल, अब फोटो खींचने का वक्त है। चलो देखें कैसी आई है। ये क्या है? लियाना कहाँ है? डैड, आपने देख लिया? मैं आपको समझाती हूँ, ये सब बहुत अजीब है, मुझे जरा सोचने दो। तो लियाना एक वैम्पायर है? हाँ। खैर, जानकर खुशी हुई, अब हमारी फैमिली में हमारे पास सच में क्वीन ऑफ द नाइट है। मैं यहाँ हूँ डेनिस। क्या हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं? पर तुम इतनी कंफ्यूज क्यों हो रही हो? ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं, उसे खुद ही सब संभालना होगा। रोमांटिक किस के बारे में क्या ख्याल है डेनिस? बिल्कुल नहीं मेबल, ये लो उसके बजाय इसे खाओ। मैं वैम्पायर को डेट नहीं करता, उससे उलझना मुश्किल है। उफ, लैंडिंग अच्छी नहीं थी। क्या तुम ठीक हो बहन? लगी तो नहीं, मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ। वो तुम इतनी हॉट नहीं लग रही हो। ठीक है, चिंता मत करो, हम इस बम को जल्दी से ठीक कर लेंगे। ना, तुम जा नहीं रहे हो। वैसे कोई बात नहीं, मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। यहाँ आओ लफी, मैं तुम्हारी हैट मेबल को दे रही हूँ। ओह, शुक्रिया पिंकी, तुम सबसे अच्छी बहन हो। और फ्लफी, अच्छे बच्चे बनना। हो, तुम भी। मैं अब और नहीं कर सकती पिंकी, मुझे क्या हो गया है? क्या मेरे फैंग्स बेकार हैं? या फिर मेरे बाल ठीक नहीं हैं? ओह मेबल, तुम्हारे साथ कोई परेशानी नहीं है? नो, सिवाय खैर शायद कुछ चीजें। अब क्या पिंकी? ठीक है, हम अपने रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते, फिर भी तुम्हें देखना चाहिए कि दूसरे लोग तुम्हें कैसे देखते हैं। ये देखो, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी पिंकी, मुझे पता है तुम कर सकती हो। तुम्हें कुछ इमरजेंसी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स की जरूरत है बहन। पिंपल से शुरुआत करते हैं, वो बहुत गंदे लग रहे हैं। हे दोस्त, जाओ बैठने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढो। हे, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ठीक है, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। तुम्हारा चेहरा साफ करने का समय आ गया है, शांति से बैठ जाओ। मेबल, वो कमजोर है, निकल जाओ। लगभग, बस थोड़ा और। क्या ये पिंपल सच में बहुत ताकतवर है? ठीक है, प्लान बी का समय है, ये उसके चेहरे को तुरंत साफ कर देगा। देखा मेबल, बहुत आसान है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। चलो करते रहे। हो गया, इसने सच में तुम्हें बेहतर बना दिया है। ये मूछें किस लिए हैं? अपनी लेग्स को देखो, सभी वैम्पायर लेडीज को शेव करनी चाहिए। मेबल, ओह वाह, दूर चले जाओ। बॉडी हेयर, वो मुझे ये पसंद आया पिंकी। ये तुम्हें क्या हुआ? मैंने जानबूझकर नहीं किया पिंकी, सच में। ओह हाँ, एक अच्छा आइडिया है, खिड़की से उस आदमी को देखो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक जरूरी काम है। हे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, हमें उसके चेहरे के बालों से छुटकारा पाना है। ओ, चलो भी, बस ऐसा सोचो कि किसी झाड़ी को काटना है। चलो शुरू करो, मैं गार्डनिंग में माहिर हूँ। हो गया, देखो मुझे लगता है कि ये काम कर गया पिंकी, और तुमने मुझ पर शक किया। अब इन सुंदर लेग्स को देखो।
वैम्पायर, ये हमेशा इतनी आसानी से क्यों डर जाते हैं? इसका ख्याल रखना फ्लफी, हम यहाँ बिजी हैं। लगता है किसी को स्वादिष्ट स्नैक मिल गया है, डिनर लग गया है। आउच, तुम मुझे काट क्यों रही हो? मुझे भूख लग रही है बहन। हेलो, हमें एक वैम्पायर कॉम्बो चाहिए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी मील के मजे लो मेबल। स्वादिष्ट। हाँ, पिंकी दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो। मेबल, तुम्हारे फैंग्स कितने डरावने लग रहे हैं। अच्छी बात है कि मुझे पता है कि क्या करना है। ठीक है मेबल, ये तुम्हारी स्माइल को सुंदर बना देगा। आराम से बहन, थोड़ा सा और। चलो भी, बस थोड़ा रुको। वुप्स, माफ करना, मेरी गलती है। क्या हुआ पिंकी? कुछ नहीं, मैं बस दांतों को पास से देखना चाहती थी। ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। मेबल ने एक फैंग खो दिया, हम इसे ठीक कर लेंगे। और उसके फैंग एकदम नए जैसे हो गए। ये कैसे है मेबल? वैम्पायर मेकअप मैजिक का समय है। पिंकी एक सुंदर लुक बनाना जानती है। हमें बस ग्रैंडमा की रेसिपी फॉलो करनी है। अब मिक्स करें। मैं कुछ भूल गई हूँ, मुझे यही चाहिए था। उसी समय मेबल को एक परेशानी हो गई है, उसके बाल कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। अब ये क्या है फ्लफी? वो तुम मेरे लिए क्या लाए हो? ये गैजेट शायद काम करेगा। चलो शैम्पू डालें और अपने बालों को धोना शुरू करें। चलो अच्छे से झाग बनाएं। अब हमारे बाल चमकदार होंगे। वो क्या चल रहा है? अब तुम्हारा मेकअप शुरू करते हैं मेबल। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। अब तुम्हारे लिए पोशन तैयार है। मैं अभी यहीं बैठूंगी। ठीक है, अच्छा तो इसने काम किया। मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है पिंकी। रुको बहन, अभी एक और चीज है जिसे ठीक करना है। तुम्हारे बालों को स्टाइलिंग की जरूरत है। चलो करें। मैं कर रही हूँ पिंकी। सांप का जहर वैम्पायर के बालों को स्टाइल करने के लिए एकदम बढ़िया है। सुंदर और बढ़िया। मैं यहाँ हूँ फ्लफी। उसी समय पिंकी के पास गेम खेलने का समय नहीं है। उसने अपनी पसंदीदा नेल पॉलिश खो दी है। ये रही पॉलिश। ब्लड रेड, क्या तुम ठीक हो मेबल? तुम ये नहीं ले सकती, ये मेरी है। तुम्हारे पास वहाँ क्या है बहन? चलो भी, मैं मदद करती हूँ। हाँ ठीक है। मेबल, तुम्हारे मसल्स कहाँ हैं? ये रहे, पास से देखना चाहती हो? हाँ, तुम बिल्कुल डरावनी नहीं हो बहन। तुम्हें एक्सरसाइज की जरूरत है, अभी के अभी। करती रहो, मैंने इसे कंट्रोल कर लिया है, चिंता मत करो। पर स्नैक्स अभी भी मेरे हैं। ठीक है, अब मैं सुंदर और मजबूत दोनों हूँ। बेहतर होगा कि तुम भागना शुरू कर दो मेबल। हाँ चलो भी पिंकी, मैं शेयर करूँगी। फ्लफी, तुम कहाँ हो? चलो भी दोस्त, बाहर आओ। ये अजीब है, मैं सोच रही हूँ कि वो कहाँ भाग गया। शायद वो बेड के नीचे है। चलो देखते हैं। ओह, तो ये बात है। फ्लफी की डेट है। मजे करो। खाली समय पर डरावनी फिल्में देखना वैम्पायर बहनों का पसंदीदा काम है। मुझे डर लग रहा है पिंकी, तुम क्या कर रही हो मेबल? बस करो, जरा मैं तुम्हारे नाखून तो देखूं। ईयू, तुमने आखिरी बार अपने हाथ कब धोए थे? तुम्हें साफ करने का समय है, अभी के अभी। अब ये बेहतर है, बस एक हल्की मालिश बाकी है। वाह, मुझे भी पसंद आया पिंकी। अभी खत्म नहीं हुआ मेबल, अब मैनिक्योर करते हैं। ये मुश्किल होने वाला है, पर पिंकी अच्छी तरह से तैयार है। तुम बहुत बढ़िया हो पिंकी। रुको, अब से नाखून चबाना बंद, अपने लुक्स का ध्यान रखो, समझ गई? अब फिल्म देखते हैं। मेबल, तुम्हें अपने स्टाइल पर काम करना है। देखो और सीखो, ये सच में आसान है, तुम भी कर सकती हो। कूल ट्रिक, कोशिश करो बहन। मैं ये कर सकती हूँ पिंकी। यहाँ से हटो। हे, देखो अब शुरू हो जाओ। वाह, क्या तुमने देखा, मैं सुंदर लग रही हूँ, है ना? नहीं, ये आउटफिट अच्छी नहीं है, ये बहुत बड़ी है। फिर से कोशिश करो, कुछ एथलेटिक और स्पोर्टी कैसा रहेगा। इतना ब्राइट और सुंदर,
जजेस को ये पसंद नहीं आया। तुम्हें ये भी पसंद नहीं आया। मुझे वो मिल गया है जो तुम्हें चाहिए मेबल। पकड़ो। वाह, मैं डार्कनेस की क्वीन जैसा महसूस कर रही हूँ। अब तुम वैसी लग भी रही हो। तुमने बहुत अच्छा काम किया मेबल। मुझे तुम पर नाज है। मुझे अब जाना होगा बहन। तुम तैयार हो बेबी? उड़ो और दुनिया घूम लो। मैं तुम्हें बाद में मिलूंगी। और मैं वापस आ गई। तुम यहाँ। हे डेनिस, क्या तुम्हें पता है कि असली लूजर कौन है? इस स्कूल को हंसने का एक नया मौका मिल गया है। डेनिस इस शर्म को कभी नहीं भूलेगा। मेबल, क्या ये सच में तुम हो? तुम बहुत गॉथिक लग रही हो। क्या हम एक सेल्फी ले सकते हैं? जरूर।